Hello to everyone. Today we will discuss about our third unit of nutrition, जो कि हमारी fat है. तो अब हम देखते हैं हमारे nutrition की third unit. मैंने इसके notes आपको दे दिए हैं, आप note down कर लीजिएगा. तो हम start करते हैं third unit. देखते हैं हम lipids क्या होते हैं, मतलब वसा क्या होती है. तो फैट्स एंड ऑयल्स बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड लिपिड्स. मतलब जो फैट्स और ऑयल्स का जो एक कंपाउंड ग्रुप होता है, जिसको हम लिपिड्स कहते हैं, दे आर कैरेक्टराइज बाय ग्रीसी फील, इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये क्या होते हैं? ये इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं. वाटर में ये क्या होते हैं? सॉल्युबल नहीं होते हैं, मतलब हमारे जल में घुलनशील नहीं होते हैं. और ये सॉल्युबिलिटी किस में होती है? सिर्फ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, मतलब कुछ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ये घुलनशील होते हैं. लिपिड्स आर फैट्स, ये फैट्स होते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन H2O. मतलब वही है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उसमें क्या, जैसे वाटर, अपना जो वाटर है उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं. और जो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक रिलेवेंट्स एल्कोहल इथर, जो कुछ सॉल्युबल ऑर्गेनिक रिलेवेंट्स जो होते हैं, जैसे कि अपना एल्कोहल इथर, इसमें ये इजीली क्या है, घुल जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं. अब हम देखते हैं फैटी एसिड्स क्या होते हैं. फैट से यील्ड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ऑन हाइड्रोलाइसिस. द फैटी एसिड मे बी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड पॉली सैचुरेटेड. द फैट्स आर ऑल्सो क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स प्रजेंट. मतलब फैट्स जो है हमारे, ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाते हैं? फैटी एसिड्स और जो ग्लिसरॉल होता है उसका निर्माण करते हैं. ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, है ना. जो कि जिसका क्लासिफिकेशन होता है जब फैट्स का, तो वो फैट के अमाउंट और उसके टाइप के आधार पर क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है ना. मतलब कि कितने अमाउंट में फैटी एसिड्स जो है प्रेजेंट है, उसके बेस पर क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन होता है. तो हम फर्स्ट देखते हैं हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है. ए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज ए टाइप ऑफ फैटी एसिड्स. इट इज़ ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन. दे हैव सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन आइटम्स. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन एनिमल्स फैट. द मेन सोर्स ऑफ फैट्स आर बटर, कोकोनट ऑयल, मीट्स, पीनट्स. मतलब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, वो एक टाइप है हमारा फैटी एसिड्स का, जो कि ये हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन होती है. किसकी? हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन होती है. इसके कार्बन आइटम्स के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है, ये फैटी एसिड्स कॉमनली एनिमल्स में पाया जाता है. इसके मेन सोर्सेस क्या है हमारे? बटर, कोकोनट ऑयल, मीट्स और पीनट्स होते हैं. आपको समझ में आया? समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है, आप क्या है, इसमें जो भी स्ट्रक्चर वगैरह देखोगे, फॉर्मूले वगैरह, इसको आप क्या है, डिटेनली जो है आपके बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे. इसलिए मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं बता रही हूँ, ताकि आप क्या है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो और इजीली आप अंडरस्टैंड हो जाओ. तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एक फैटी एसिड्स के टाइप होते हैं, जो कि जिसमें हाइड्रोजन की एक लॉन्ग चेन होती है, जो कि इसके जो कार्बन आइटम्स के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड बनाती है ना. तो ये जो फैटी एसिड्स है, ये हमारे एनिमल्स में पाए जाते हैं. इसके जो मेन सोर्सेस मैंने आपको बताया, बटर है, कोकोनट ऑयल है, मीट है और पीनट्स है. इसके बाद हम देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते क्या है. ए फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग वन और मोर डबल बॉन्ड्स, एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स. सो दे हैव वन और मोर डबल्स बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम्स. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू.
अब अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो एसिड्स है ना, इसका फॉर्म, ये एसिड्स का फॉर्म है फैटी एसिड्स का, जिसमें क्या है, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, है ना। इसमें जो हमारा जो जो कार्बन है, जो कार्बन आइटम है, उसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट दिया है इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकंड है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है, दे हैव वन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। ओलिक एसिड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड इट इज़ कंपाउंड इन ग्राउंड नट्स ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड कोरन ऑयल। दे आर मोस्टली फाउंड इन वेजिटेबल्स ऑयल, है ना। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं हमारे, ये वन डबल बॉन्ड जो है इसमें बनता है, किसके बीच में, जो हमारे कार्बन एटम्स जो होते हैं उनके बीच में ये क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। जो ओलिक एसिड्स जो है, जिसके एग्जांपल होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, या आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में, तो ये क्या है, ये हमें कहाँ फाउंड होता है, कहाँ मिलता है, ये हमें नट्स ऑयल में मिलता है, ऑली ऑयल में मिलता है और कॉर्न ऑयल में मिलता है। तो ये क्या है, मोस्टली कहाँ हमें मिलते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल में मिलते हैं। सेकेंड टाइप है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये क्या होते हैं, फैटी एसिड्स विथ टू और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दिस इज मोस्टली फाउंड इन वेजिटेबल्स ऑयल्स। मतलब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये टू और जो मोर डबल बॉन्ड्स के साथ मिलकर बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, है ना। ये मोस्टली हमें कहाँ मिलते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल में मिलते हैं। अब इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स आर दोज दैट कैन नॉट बी सिंथेसिस बाय ह्यूमंस। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में नहीं बनते हैं, दे डिराइव्स ओनली फ्रॉम फूड, सिर्फ फूड से मिलते हैं। यदि डेफिशिएंसी ऑफ EFA मतलब इसेंशियल फैटी एसिड्स इन डाइट में रिजल्ट इन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड स्किन डिसऑर्डर। यदि जो इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, अगर हमारी डाइट में जो है इसकी क्या है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो क्या होता है, इसका रिजल्ट हमें क्या दिखता है कि ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है और स्किन डिसऑर्डर्स हो जाता है। अब फैटी एसिड्स जो है, इसके टाइप्स दिए हुए हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये हम पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड्स के कितने टाइप्स के जो है क्लासिफिकेशन होते हैं, फर्स्ट है इसका सिंपल लिपिड्स, सेकेंड है कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, थर्ड डिराइव्ड लिपिड्स और फोर्थ है स्ट्रॉल्स। तो सिंपल लिपिड्स में क्या क्या आता है, फैट आता है, बटर आता है, क्रीम आता है और ऑयल आते हैं, ग्राउंडनट आते हैं और सनफ्लावर आते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स मतलब जो कंपाउंड लिपिड्स जो होते हैं, उसमें हमारा क्या आते हैं, टू टाइप्स होते हैं उसके भी, एक फॉस्फोलिपिड होता है और एक लिपोप्रोटीन होता है। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, हमारा लेसिथिन होता है, और लिपोप्रोटीन में HDL होता है, LDL होता है और VLDL होता है। अब डिराइव्ड जो लिपिड होते हैं, उसमें टू टाइप्स के होते हैं, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड। और जो हमारे स्ट्रॉल होते हैं, उसके टू टाइप्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी एर्गेस्ट्रॉल, है ना। कोलेस्ट्रॉल जो कि क्या है, जल में अघुलनशील है, हमारे जो है इनसॉल्युबिलिटी होती है इनमें। तो हम देखते हैं सिंपल लिपिड क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप जो है इसका, दे आर मेड अप ऑफ थ्री फैटी एसिड्स अटैच टू ग्लाइकोजन। दे आर मिक्स ग्लाइकोसराइड विच मीन्स दैट मोर देन वन टाइप ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन द फैट। एग्जाम्पल है इसका कुकिंग ऑयल्स एंड बटर्स। मतलब ये जो सिंपल लिपिड्स होते हैं, क्या होते हैं, थ्री फैटी एसिड्स के साथ के ग्लाइकोजन के साथ क्या है, अटैच होने पर बनते हैं।
ये जो होते हैं थ्री फैटी एसिड्स के ग्लाइकोजन के साथ अटैच होने पर बनते हैं, और ये क्या है जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं उसके साथ मिक्स होते हैं। मतलब एक से ज़्यादा जो फैटी एसिड्स होते हैं जब फैट में प्रेजेंट होते हैं तब इसका निर्माण होता है। ये होते हैं हमारे सिंपल लिपिड्स के एग्जांपल होते हैं कुकिंग ऑयल्स और बटर। अब हम देखते हैं कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? दे आर फैट्स इन विच एट लीस्ट वन फैटी एसिड इन रिप्लेस्ड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फास्फोरस। एग्जांपल दे आर फैट्स प्लस नॉन फैट मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल इसका फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन। मतलब जो ये हमारे कंपाउंड लिपिड्स होते हैं ये वो फैट होते हैं जिनमें कम से कम एक फैटी एसिड्स जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और प्रोटीन जो है हमारा इसके साथ क्या है रिप्लेस होते हैं। मतलब ये वो फैट होते हैं जिसमें कम से कम एक फैटी एसिड्स के साथ क्या है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो इसके साथ क्या है रिप्लेस होते हैं, या फॉस्फोरस मतलब फैट, या फिर कोई नॉन फैट मॉलिक्यूल्स हो गया जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया है, ये इसके रिप्लेसमेंट से क्या है बनता है जो कि मतलब एक कंपाउंड बनता है, इसलिए इसको हम कंपाउंड लिपिड कहते हैं। अब थर्ड जो इसका टाइप है डिराइव्ड लिपिड्स। दे आर द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ फैट्स एंड इंक्लूड डाइग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। मतलब जो डिराइव्ड जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे फैट के ब्रेकडाउन से बनते हैं। ब्रेकडाउन से बनते हैं कौन कौन से बनते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, एक डाइग्लिसराइड बनते हैं, मोनोग्लिसराइड बनते हैं और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होते हैं। फोर्थ हम देखते हैं स्टेरॉल्स। दे आर नॉट मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बट हैव बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर। दीज फैट लाइक सब्सटेंस इंक्लूड कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई एंड के। तो स्टेरॉल्स क्या होते हैं, ये हमारे फैटी एसिड्स से नहीं बनते हैं ना ही ग्लिसरॉल से बनते हैं, बट ये हमारे जो बेंजीन जो रिंग होती है, जो बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे उसके साथ ये अटैच होते हैं, है ना। तो ये फैट्स कौन से होते हैं, ये फैट्स जो इंक्लूड होते हैं वो कौन से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो कि है हमारे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके फंक्शन, फैट्स के की फंक्शन क्या क्या होते हैं।